दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। इस्लाम धर्म में रमजान माह की खास अहमियत है। कहा जाता है कि इसी माह में पवित्र किताब कुरान शरीफ आसमान से उतारी गई थी। रोजे इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। रोजा आपसी भाईचारे का प्रतीक है, वही इंसान को अपनी इच्छाओं पर काबू करने का सब देश भी देता है। रोजा गरीबों व जरूरतमंदों के दुख दर्द व भूख प्यास का आभास कराता है। इस्लाम के जानकार और मौलाना याहया करीमी का कहना है कि रमजान का महीना सब्र व सुकून का है। इस दौरान अल्लाह की खास रहमतें बरसती हैं। अल्लाह ने कुरान शरीफ में कई जगह रोजा रखने को जरूरी बताया है। रोजे का इतिहास। अल्लाह के हुक्म से सन 2 हिजरी से मुसलमानों पर रोजे अनिवार्य किए गए। इसका महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि रमजान में शबे कद्र के दौरान अल्लाह ने कुरान जैसी नियमत किताब दी। रमजान में जकात दान का खास महत्व है। किसी के पास अगर साल भर उसकी जरूरत से ज्यादा 52.5 तोला चांदी या उसके बर की नकदी या कीमती सामान है तो उसका 2.5% जकात यानी दान के रूप में गरीब या जरूरतमंद मुस्लिम को दिया जाना चाहिए। रोजे के मायने। रोजा को अरबी भाषा में सौम कहा जाता है। सौम का मतलब होता है रुकना, ठहरना यानी खुद पर नियंत्रण या काबू करना। यह वो महीना है जब हम भूख को शिद्दत से महसूस करते हैं और सो चते हैं कि एक गरीब इंसान भूख लगने पर कैसा महसूस करता होगा। बीमार इंसान जो दौलत होते हुए भी कुछ खा नहीं सकता उसकी बेबसी को महसूस करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।